काफी लोग ऐसे हैं जिनका आयुष्मान योजना की लिस्ट में नाम नहीं है और वो चाह रहे हैं कि उनका नाम ऐड हो जाए और वो भी अपना कार्ड बनवा लें। काफी लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के कुछ सदस्यों के नाम हैं और कुछ के नाम नहीं हैं। काफी लोग ऐसे हैं कि उनका नाम गलत है और वो चाह रहे हैं कि हमारा नाम सही हो जाए। तो इस वीडियो में आपकी टेंशन खत्म करने वाला हूं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बबलू राघव, आप देख रहे हैं टेक राघव यूट्यूब चैनल। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उस पर आपको विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं आप सोचें कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान योजना की जो लिस्ट है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। काफी लोग ये बोलते हैं कि जब गणना हुई थी तो हमने भी अपने बारे में बताया था लेकिन हमारा नाम नहीं है, हमारे पड़ोसी का नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि वो गरीब श्रेणी के अनुसार वो लिस्ट बनाई गई और जो गरीब लोग थे उनको इस योजना में डाल दिया गया, चाहे वैसे पैसे वाले से ही उन्होंने बताया झूठ हो, लेकिन ऐसा ही हुआ। अगर आपका आयुष्मान योजना की लिस्ट में नाम नहीं है तो काफी लोग सोच रहे हैं कि हम अपना नाम ऐड करवा लेंगे और काफी और यूट्यूबर जो है आप लोगों को ऐड करके भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन तो दे रखा है गवर्नमेंट ने लेकिन ऐड नहीं हो रहे। मैंने कम से कम 5 बार ट्राई किया है। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऐड करना बताया था कि अगर आपका आयुष्मान योजना में नाम नहीं है तो आप अपना नाम कैसे ऐड कर सकते हैं, वो अभी तक पेंडिंग में है और किसी का भी पास नहीं हुआ, अभी तक किसी का भी पास नहीं हुआ। जितने भी लोगों ने वीडियो बनाए हैं, किसी ने आपको दिखाया है कि देखिए मैंने यहाँ पे ये ऐड किया था और मेरा नाम हो चुका है, किसी का भी नहीं हुआ। तो ये बात आप भूल जाइए कि आयुष्मान योजना की लिस्ट में आपका नाम ऐड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और कब होगा उसमें इतना है कि जब जनगणना होगी तो वो नाम फिर से उसमें ऐड किए जाएंगे फैमिली यूनिट के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपको ही ऑप्शन मिल जाए नाम ऐड करने का। अब दूसरी चीज, परिवार में कुछ सदस्यों के नाम है, कुछ के नाम नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा ही है, मतलब कि मेरा नाम है और मेरी वाइफ का नाम नहीं है क्योंकि मेरी शादी जब नहीं हुई थी। तो अब मैं नाम ऐड करूंगा तो कैसे करूंगा? पहले ऑप्शन था लेकिन वो भी पेंडिंग में था, वहां से भी कोई पास नहीं हुआ, तो वो भी चांस आपके पास नहीं है। जिनके नाम गलत हैं उनके नाम कैसे सही हो सकते हैं? वो पहले ऑप्शन था लेकिन अब नहीं है, और पहले जिनका भी हो रहा था वो भी अभी तक पेंडिंग में है। तो ये बात आप भूल जाइए, जो भी आपको वीडियो दिखा रहे हैं वो सिर्फ आधी अधूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं आपको। ना तो आप आयुष्मान योजना की लिस्ट में अपना नाम ऐड कर सकते हैं, आप फॉर्म भर देंगे वो पेंडिंग में चला जाएगा, वो पास नहीं होगा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, वो पास नहीं होगा। अगर आपके परिवार में और लोगों के नाम है, आपका नाम नहीं है, तो आपका नाम ऐड नहीं होगा, आपका नाम सही नहीं होगा। ये चीज़ आपको विश्वास करनी पड़ेगी। जब जनगणना होगी फिर आपके यूनिट के अनुसार ही आपके नाम उसमें बढ़ाए जाएंगे, तो ये बात सच है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए भाई लोग, क्यों नहीं कर रहे हो फॉलो आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।